नमस्कार दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि आज अनुपमा के सुपर शेफ कॉम्पिटिशन का फिनाले चल रहा होता है। चार लोग फाइनल में पहुंच गए हैं। जजेस सारे कॉन्टेस्टेंट्स को हर एक राउंड के बारे में ब्रीफिंग करता है। वहां शाह परिवार में सब लोग साथ में टीवी देख रहा होता है। वनराज को तो इतना आत्मविश्वास है कि अनुपमा नहीं जीतेगी। बा बोलती है कि मेरी दी हुई डायरी से अनुपमा डिशेस बनाती होगी। अनुपमा मेन कोर्स में उंधियों की बिरयानी बनाती है, लेकिन अनुपमा उसमें डालने वाली एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट भूल जाती है। एक कंटेस्टेंट सारा की हाथ में चोट लगने की वजह से वो कंपटीशन से निकल जाती है। अब तीन ही लोग बचा है कंपटीशन में। अनुपमा डायरी में लिखा हुआ वो एक इंग्रेडिएंट की नाम याद करने की कोशिश करती है। वो राउंड खत्म हो जाती है। अनुपमा बोलती है कि आज मैंने उंधियों और बिरयानी की फ्यूजन ट्राई किया है। डेसर्ट राउंड में अनुपमा गुड़ पापड़ी स्वीट डिश बनाती है। अनुपमा इंग्लिश में बोलती है कि दिस इज गुड फॉर प्रेग्नेंट वुमन। अनुज दवाई लेने के लिए आत्या के कमरे में जाता है। अनुज को ये पता चल जाता है कि आत्या ने ही अनुपमा की डायरी छुपाई है। श्रुति बोलती है कि अनुपमा एकदम ऑथेंटिक इंडियन डिशेस बनाती है, पता नहीं जजेस को पसंद आएगी या नहीं। तब अनुज बोलता है कि हमें पिज्जा बर्गर पसंद है ना, तो इंडियन खाना उन लोगों को क्यों पसंद नहीं आएगा। अब वो सुनहरा पल आ गया है जब अनुपमा का नाम अनाउंस होने वाला है। बहुत थुक थुक के बाद हमें हमारी विनर मिल गया। हाँ, फाइनली अनुपमा जीत गई। ये सुन के अनुपमा को विश्वास नहीं होता है। अनुपमा अपनी विनिंग स्पीच में ये बोलती है कि भारत में बचपन से औरत को खाना बनाना सिखाता है। बचपन से औरत को यही बोला जाता है कि खाना बनाना उसकी जिम्मेदारी है। आज मेरी जीत भारत की हर एक औरत की जीत है जो पूरा घर के लिए खाना बनाती है, लेकिन एक तारीफ सुनने के लिए तरस जाती है। मेरे जैसा हर एक भारतीय नारी को जिंदगी में एक बार जीत के दिखाने का मौका देना चाहिए। हाँ दोस्तों, आज अनुपमा की जीत नहीं हुई है, आज एक सोच की जीत हुई है। ये सोच कि जिंदगी में चाहे कितने भी बार गिर जाए, फिर भी उठ के आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी आपके दरवाजे पे ऐसे बहुत सारे मौके लेके आते हैं। आने वाली अनुपमा के इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।